मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और असहाय बेटियों के हाथ सिर्फ पी लेना कराना, बल्कि उनकी शादी में लगने वाले खर्च को भी सरकार के द्वारा उठाया जाता है। इसी के अंतर्गत आज जनपद में 98 युवक युवतियों का सामूहिक विवाह करवाया गया, लेकिन इस विवाह में एक बड़ी चूक देखने को मिली कि सभी कन्याओं का विवाह तो संपन्न करा दिया गया, लेकिन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिना सिंदूरदान का शादी पूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित तमाम जिम्मेदार लोगों के सामने 98 युवक युवतियों की शादी बिना सिंदूरदान के संपन्न करा दी गई। जनपद गाजीपुर का यह रॉयल पैलेस है, जहां पर जिला प्रशासन के द्वारा 98 कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, लेकिन इस कार्यक्रम में 98 शादी संपन्न हुई। ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए खुद जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। यह शादी गायत्री परिवार के द्वारा पूरा विधि विधान के द्वारा संपन्न कराई गई, लेकिन इस शादी के कार्यक्रम में हिंदू समाज की शादी में सिंदूरदान का कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना गया है, लेकिन न जाने किस दबाव में गायत्री परिवार के द्वारा सभी कन्याओं की शादी बिना सिंदूरदान के कराई गई। जब इस बारे में मुख्य विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने निर्लज्जता की सारी हदें पार करते हुए मीडिया को यह बताया कि इस पूरे कार्यक्रम को विधि विधान से किया गया है और सिंदूरदान का भी कार्यक्रम किया गया है। वहीं जब इस बारे में जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह से बात की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि सिंदूरदान का कार्यक्रम नहीं हुआ है और वह इस बारे में CDO से भी बात करेंगी। एक तरफ जहां मुख्य विकास अधिकारी शादी समारोह में सिंदूरदान की बात को धड़ल्ले से स्वीकार कर रहे हैं, तो हम दुल्हनों से भी बात की जिसकी शादी इस समारोह में संपन्न हुई। लगभग 4 से 5 दुल्हनों से बात की गई तो सभी ने बताया कि आज के कार्यक्रम में सिंदूर दान का कार्यक्रम नहीं किया गया, क्योंकि इनकी शादी और सिंदूर दान का कार्यक्रम फिर से इनके घर पर संपन्न होगा। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि इस योजना में मिलने वाले प्रतिशादी पर 51,000 रुपए की बंदरबांट के लिए शादी समारोह का आयोजन किया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय परंपरा और हिंदू संस्कृति की बात करने वाले गायत्री परिवार के मुखिया, जिन्होंने आज के 98 शादियां मंत्रोच्चार के बीच संपन्न कराई, तो वह भी पहले सिंदूरदान कराने की बात कहे, लेकिन बाद में मीडिया से हाथ जोड़कर कहा कि इस बात को तूल ना दे। आज समाज कल्याण विभाग द्वारा ये इस साल का तीसरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसमें सामूहिक विवाह के लिए जो हमारे वर वधू उनको चिन्हित किया गया था और उनको आज इस योजना में लाभान्वित किया गया है। कुल 98 वर वधुओं ने आज इस योजना में शामिल होकर इसकी शोभा में वृद्धि की और इस कार्यक्रम में उन्होंने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की है। एक वर वधु के वैवाहिक कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा, शासन द्वारा कुल 51,000 रुपये की धनराशि निर्धारित है, जिसमें से कि 35,000 रुपये कन्या के खाते में सीधे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए और उसके साथ में 10,000 रुपये उनको सामग्री के रूप में, वस्त्र के रूप में उनके पायल बिछिया इत्यादि जो आभूषण होते हैं उनके लिए दिए गए। 6,000 रुपये इस कार्यक्रम के लिए आयोजन की और अन्य भोजन इत्यादि सामग्री की व्यवस्था करने के लिए इन सब में व्यय किया जाता है। सीडीओ साहब, अगर हिंदू समाज की बात करें तो शादी समारोह में सबसे मुख्य कार्य होता है सिंदूर दान, लेकिन यहाँ पर जो लगभग 100 लड़कियों की शादी हुई है, किसी भी कन्या का जो सिंदूर दान नहीं कराया गया है, इसको देखते हुए क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम सिंदूर दान का भी था उसमें, और सिंदूर दान के लिए हमारे जो गायत्री परिवार के सदस्य उन्होंने कराया है इसका। देखिए, मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, मैंने पहली बार देखा भी है अपने जीवन काल में ऐसी शादियाँ। मैं इसके यही कहूँगी कि इस सरकार द्वारा ये बहुत ही अच्छी योजना है। इतने परिवार नहीं सक्षम हो पाते हैं शादियों के लिए, बेटी के विवाह के लिए, सरकार ने ऐसा अवसर दिया है उनको, बहुत अच्छी बात है। आगे अपने जीवन काल में खुश रहे हमारी तरफ से मैडम। शादी में देखा गया कि आपने पूरी शादी दौरान रही हैं, लेकिन जो शादी में मुख्य चीज होता है सिंदूरदान, क्या लगता है सिंदूरदान जो नहीं किया गया इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी शादियाँ हुई हैं, काफी जोड़ों ने फेरे लिए हैं। सिंदूरदान तो पंडित जी को सीडीओ से आदेश भी दिया था और उनके फैमिली वालों ने भी कराया, हम उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है, सिंदूरदान तो बहुत जरूरी है। थैंक यू मैडम, बात करेंगे। आज आप लोगों की शादी हुई है, क्या कभी सोचा था कि इस तरह से अधिकारियों के, नेताओं के सानिध्य में आप लोगों की शादी होगी? नहीं। ये बताइए, इसके पहले अब आप जो है कितनी शादियों में शामिल हुई होंगी? अभी तो हम एक दो शादी में शामिल हुए हैं। तो आज जो शादी हुआ आप लोग का हुआ, इस शादी में क्या सिंदूरदान का कार्यक्रम किया गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाद में होगा, 2 महीने बाद शादी है। 2 महीने बाद
होगा। आपको किसने बताया कि 2 महीने बाद शादी होगी? मेरे मम्मी, नवंबर, मेरे माता पिता। आपकी जो शादी हुई है लगभग 100 जोड़ों का एक साथ हुआ, क्या कभी आपने जीवन में सोचा था किस तरह की शादी होगी? नहीं। इस तरह की शादी के लिए आप अपने मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। अच्छा नीलम जी, तो ये आज जो शादी हुआ है इसमें आप लोगों का सिंदूरदान किया गया है? नहीं, सिंदूरदान नहीं किया गया। मतलब सिंदूरदान नहीं किया गया है, क्यों? दिन रखा गया है तब। दिन रखा गया है, घर से शादी होगी, सिंदूरदान बाद में होगा। शादी आपकी होगी जहाँ 100 लोगों के एक साथ शादी हो, इस तरह की शादी के लिए क्या कहेंगे जिसमें कुछ जिलाधिकारी और तमाम अधिकारी मौजूद रहे हों? अच्छा नीलम जी, इससे पहले आप कितनी शादियों में शरण गई हैं? आज आप लोग की आपकी शादी हुई है, इस शादी में क्या सिंदूरदान का कार्यक्रम किया गया है? नहीं। क्यों? शादी का मतलब तो बिना सिंदूरदान का अधूरा होता है। तो क्या ये अधूरी शादी इसको माना जाए कि पूरी शादी माना जाए? तो सब सिंदूरदान हुआ नहीं तो पूरी कैसे माना जाए? नहीं। क्या कहेंगे? मतलब इस तरह के जो कार्यक्रम, इससे आप लोग खुश हैं या क्या? खुश हैं। खुश हैं। अच्छा ये बताइए, आज जो आपकी शादी हुई है, शादी का मतलब कि जब तक सिंदूरदान ना हो उसे शादी? कृपया भीड़ ना लगाएं, भोजन की व्यवस्था में अवधारणा पैदा करें। शादी में सिंदूरदान ना हो, जिनको प्राप्त है वो भोजन प्राप्त करेंगे, तब तक उसे अधूरा माना जाता है। क्या आप लोग सिंदूरदान हुआ है? शादी में सिंदूरदान नहीं हुआ आप लोग का? नहीं। तो इस शादी को क्या पूरा माना जाए कि अधूरा माना जाए? तो सिंदूरदान कब होगा कुछ बताएगी आप लोग को? घर पे होगा, फिर से ब्याह होगा, घर फिर से दोबारा होगा। बारात वाला से लेना। अच्छा ये मतलब ये शादी नहीं हुआ, ये मतलब काहे ना हुआ है? काहे ना हुआ है, कुल कमाता होइबे ना कोई। लगभग कितने जोड़ों की शादी कराई गई? 107 बताया गया प्रशासन की ओर से। 107 जोड़ों की आपने शादी कराई है, पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आपने शादी संपन्न कराई होगी? जी जी। लेकिन इस पूरे रीति रिवाज में एक जो महत्वपूर्ण बिंदु था शादी का, वो था सिंदूरदान। जी। तो इस शादी समारोह में जो सिंदूरदान का कार्यक्रम कहीं नहीं दिखा, आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा? इसके पीछे 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि चूंकि बल्क मात्रा में जब है तो उसको टू दी पॉइंट, जिसे 1-2 रहता है तो टू दी पॉइंट करा लिया जाता है, लेकिन 107 था, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, इसलिए हमने कहा कि सिंदूरदान के लिए लड़के खड़े हो जाएं और लड़कियां जो है सिंदूरदान कराएं। हमने मंत्र बोला, अब हम कहां देख सकते हैं कि कौन किया नहीं किया। ऐसे में जैसे इसके पहले भी 2 शादी आपने करवाया है, जी जी, उसमें सिंदूरदान के कार्यक्रम के लिए लगभग आधे घंटे का समय भी दिया गया और लोगों से सिंदूरदान किया। ऐसे में सिंदूरदान आपके द्वारा नहीं जो हुआ है तो क्या इस शादी को पूरा माना जाए कि अधूरा माना जाए? पूरा माना जाए क्या? नहीं, पूरा माना जाए। सुने, देखें, हम बताएं। आपने जो कहा, लिसन टू मी, आपने जो कहा कि पिछले जो शादी में आधे घंटे का समय दिया गया, ऐसी बात नहीं। आधे घंटे में तो पूरा विवाहवे हो रहा है, तो आधा घंटा में केवल सिंदूरदान का मान लिया जाए कि अब हिंदू समाज में शादी में जो है सिंदूरदान हो ना हो, अब उसका कोई जरूरत नहीं है? ना ना, ऐसी बात मत करिए। इस तरह से हम हिंदू धर्म को कमजोर ना करें, क्योंकि बहुत सारे अतीत काल में हिंदू धर्म में तो को कमजोर करने के लिए, और किसी का तो इस बात को लेना चाहिए कि सिंदूरदान नहीं हुआ, शादी संपन्न कैसे हुआ? ना, उसका एक नकारात्मक पहलू पर आप दबाव ना दें, इसका एक सकारात्मक पहलू भी है कि सिंदूरदान हुआ भी है। अब यह है कि उसमें कुछ कान से नहीं सुनते नहीं करते, बात ये अलग है। तो हम तो आप चूँकि लोग देख रहे थे, आप लोग, हम तो मंत्र पर और कॉन्सेप्ट पर ध्यान था, इसलिए आपसे क्षमा चाहेंगे कि मतलब इसको इस रूप में न लें, पॉजिटिवली लें और सिंदूरदान उसको हुआ मानिए और हिंदू धर्म को कमजोर न किया।